नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, एक नई सुबह, एक नया सफर और एक नया साथी। जी हाँ, और सफर में खाना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खाने पीने की सफर में चलिए हमारे साथ, खाओ पियो ऐश करो। तो दोस्तों, एक नई सुबह हो चुकी है और हम एक नए सफर के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये सफर आपके बिना तो अधूरा ही रहता है, तो चलिए हमारे साथ। और देखिए, आज हमारे साथ हमारा एक नन्ना मुन्ना साथी भी है जो कि बहुत खुश है। हेलो, नमस्ते। चलिए हमारे साथ लता जी, आप कहाँ हैं, जरा आप भी आइए। जी हाँ, लता जी भी हैं और हम तीनों निकल पड़े एक नई लुक के साथ। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नई लुक कैसी लगी। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गणपतिपुले। एक छोटा सा शहर है महाराष्ट्र में, एक कोस्टल टाउन है, मुंबई से करीबन 350 किलोमीटर दूर है और अपने बीचेस के लिए बहुत फेमस है। एक बहुत प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पर जो कि बहुत पॉपुलर है, उसकी बहुत मान्यता है। तो लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भी जाते हैं, बीचेस का मज़ा लेने भी जाते हैं और हम जैसे लोग तो खाने का मज़ा लेने भी जाते हैं। तो देखिए, अभी अंधेरा है, सुबह सुबह निकल पड़े हैं हम, क्योंकि सुबह सुबह बम्बई में ट्रैफिक बहुत कम मिलता है, लेकिन जैसी रोशनी आने लगती है ना तो पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। और आज हमसे पहले हमारे नन्ने मुन्ने साथी को भूख लग गई है, और जब नन्ना मुन्ना साथी हो और रास्ते में मैकडॉनल्ड्स में ना रुके ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए पहले इनकी पेट पूजा का इंतज़ाम कर लेते हैं। बस ज़्यादा डिमांड नहीं है इनकी पापा, बस हमें एक फ्रेंच फ्राइज ले दीजिए भर के। तो फ्रेंच फ्राइज आ गए हैं, साथी हमारे खुश हैं, लेकिन हमें तो चाहिए, महाराष्ट्र में हैं तो ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन नाश्ता। तो इसकी तलाश में हम निकल पड़े हैं, उस तलाश में आ गए हैं हम श्री दत्त स्नैक्स कॉर्नर पर, जो कि महाराष्ट्रियन स्नैक्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर भी कूपन सिस्टम है, कूपन लीजिए और अपना मन पसंदीदा पसंदीदा आइटम ऑर्डर कीजिए। जी हाँ, बटाटा वड़ा है, वड़ा पाव है, मिसल है, साबूदाना खिचड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लता जी मंगाएंगी अपनी पसंदीदा साबूदाना खिचड़ी। जी हाँ, देखिए हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है, खिचड़ी आई और खिचड़ी ख़त्म, डिस्पोजेबल बर्तन है, कोविड का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और वड़ा पाव, इसके बिना तो महाराष्ट्रीय नाश्ता अधूरा है, और पीछे चल रहा है वेस्टर्न नाश्ता। जी हाँ, मैकडॉनल्ड के फ्रेंच फ्राइज खाकर हमारे नन्हे मुन्ने साथी बहुत खुश हैं, और हिंदुस्तान में गर्मा गर्म चाय के बिना तो नाश्ता पूरा नहीं होता। तो लता जी घर से बना कर लाई हैं ऐसी स्वादिष्ट चाय जिसे पीकर मुँह से एक ही शब्द निकलता है, वाह क्या बात है। तो चाय और नाश्ते के बाद हम निकल पड़े हैं गणपति पुले की ओर। नई नई चीज़ें दिखा रही हैं, नई नई चीज़ें, जोशी वड़े वाले क्या बात है, यहाँ पर भी कभी नाश्ता किया जाएगा आपके साथ। तो चलिए दोस्तों गणपति पुले की ओर, और रास्ते में रुकेंगे लंच के लिए, और लंच भी आपके साथ ही किया जाएगा एक मज़ेदार जगह पर। तब तक बस खाते पीते रहिए, खुश रहिए और खाओ पियो ऐश करो।